आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल राणा व युवा अध्यक्ष पिंटू राणा के नेतृत्व में राजपूत समाज पानीपत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पुतला फूंककर कैथल में हुए राजपूत समाज पर लाठीचार्ज करने के विरोध में प्रदर्शन किया और पुतला फूंका और इसके बाद जिला उपायुक्त पानीपत को ज्ञापन सौंपा। लोगों को संबोधित करते हुए सतपाल राणा ने कहा कि हमारे समाज पर कैथल में जो लाठीचार्ज किया गया है वो खट्टर सरकार के कब्र में आखिरी कील साबित होगी और आने वाले चुनाव में हरियाणा का समस्त राजपूत समाज भाजपा का बायकॉट और बहिष्कार करेगा। राणा ने कहा कि सम्राट मिहिर भोज सर्व समाज के थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी भी समाज से भेदभाव नहीं किया, ये एक समाज के कैसे हो सकते हैं। कल कैथल में राजपूत समाज पर जो प्रशासन ने लाठी चार्ज किया है ये उसके विरोध में मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर का पुतला फूंका गया है। ये राजपूतों के साथ हरियाणा में ज्यादति हो रही है और हमारा समाज अब की बार बीजेपी का पुरजोर विरोध करेगा और बहिष्कार करेगा और जो ये जातिवादी राजनीति बीजेपी ने शुरू की है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना, गुज्जर को राजपूत से लड़ाना, ये अब की बार इनको महंगा पड़ेगा। राजपूत और गुज्जर दो समाज एक ही पेड़ की दो टाँणियाँ हैं, परंतु बीजेपी और आरएसएस ने 9 साल के अंदर हमारे समाज को तोड़ने का कार्य किया है। ये आज पूरे हरियाणा में हमारा विरोध प्रदर्शन है और आगे भी जारी रहेगा। हमारा समाज अब कैथल में जाकर के वहाँ पर धरने पर बैठेगा। राणा ने कहा कि हमारा समाज एक शांति प्रिय समाज है, हम कभी भी देश में अराजकता नहीं चलने देंगे। कुछ अराजक लोग हमारे समाज को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर जसवीर राणा, राजकुमार राणा, अंकित राणा के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। हमारे जो समाज कल कैथल के अंदर मूर्ति का अनावरण किया जा रहा था, महाराणा मीर भोज प्रतिहार की मूर्ति का अनावरण किया जाना था, जिसको लेकर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है। एक तरफ से हमारे राजपूत समाज के भाई वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उन्होंने उसका विरोध किया, मूर्ति पर गुज्जर सम्राट ना लिखकर हिंदू सम्राट लिखने की मांग की, लेकिन सरकार ने उसको भी ठुकरा दिया। और यह सरकार आपस में भिड़ाने का काम कर रही है और एक तरफा एक ही समुदाय को बढ़ावा दे रही है और दूसरे समुदाय के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। कल हमारे बहुत से भाई हैं जिनकी रात को गिरफ्तारी भी हुई और उन्होंने अपने ऊपर पुलिस के प्रशासन के डंडे भी खाए और उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके विरोध में आज हमने पानीपत के अंदर ये प्रशासन का और बीजेपी सरकार का गलत। मेरा नाम ब्रजेश राणा और पिंटू अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा का मैं युवा उपाध्यक्ष। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वो से पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। Let's go!